मध्य प्रदेश में 15 महीने तक कमलनाथ सरकार ने सड़कों पर भटकती हुई गायों की सुध लेते हुए आगर मालवा जिले की सुसनेर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली 37 ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की थी, लेकिन बाद में भाजपा की सरकार बनी तो इन गौशालाओं का कार्य अधर में लटक गया। हालत यह है कि आज भी गाय सड़कों पर भटक रही है। इस संबंध में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कहना है कि शासन स्तर से गौशालाओं के निर्माण की पूरी राशि नहीं मिली है, इसलिए गौशालाओं का निर्माण नहीं हो पाया है। सुसनेर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतों में पशु शेड निर्माण के नाम पर जमकर धांधली की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में बनाए गए पशु शेड अधिकांश जगहों पर कागजों में ही बना दिए गए हैं, धरातल पर पशु शेड नजर नहीं आए। वहीं कई जगहों पर शासकीय योजनाओं के तहत दिए गए आवासों को ही पशु शेड बताकर मजदूरों के नाम से राशि निकाल ली गई। इस मामले में जनपद पंचायत सुसनेर की प्रधान सुनीता कृष्ण चंद पाटीदार ने लिखित शिकायत SDM सोहन कनास को करते हुए मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत ढाबला, परसुलिया, मोडी, निपानिया, पटपड़ा और परसपुरा सहित करीब एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में इस तरह की गड़बड़ियां हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में बीते 2 वर्षों की अवधि में बड़े पैमाने पर पौधारोपण की योजना चलाई गई, लेकिन ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कंठालिया नर्सरी और पाटीदार नर्सरी से ज्यादा कीमत में पौधे खरीदे गए। एक पंचायत में 50 से लेकर 500 तक पौधे का रोपण किया गया, किंतु उसमें से अधिकांश पौधों का रोपण केवल कागजों में ही कर दिया गया। वृक्षारोपण कार्य के तहत 3,35,000 रुपए की राशि स्वीकृत होकर मस्टर रोल पर कुल 1,82,983 रुपए व्यय की गई। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर कार्य अनुसार पौधे भी नहीं पाए गए। ये मामला अधर में लटका हुआ है। पंचायत के अंतर्गत 55 ग्राम पंचायत लगती है, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत सब भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। जितनी भी योजना चल रही है, जैसे खेत, तालाब, कूप निर्माण, पशु शेड, एक भी जगह कोई काम नहीं चल रहा है, एक भी मजदूर नहीं लग रहे, सिर्फ सिर्फ कागज पर चल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत जिसके द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, इसके बारे में कलेक्टर साहब से अनुरोध करती हूँ कि वो इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ओवरऑल दोनों वर्षों को मिला के 3,900 काम ऑन गोइंग है। अच्छा सर, पशु शेड की संख्या कितनी है? पशु शेड के कार्य जनता सबसे 1600 समथिंग है। पूरे हो गए कि चल रहे हैं सर? फिजिकल रूप से कंप्लीट है, पेमेंट के लिए प्रतीक्षा है। जैसे ही गवर्नमेंट से राशि प्राप्त हो जाती है तो उनका भुगतान किया जाएगा। सर, खेत तालाब योजना में कितने को लाभ दिया गया? खेत तालाब में 562 समथिंग है। उनका भुगतान की क्या स्थिति है सर? भुगतान की स्थिति ये है कि जैसे ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिदिन जो बिजली सेंड की जाती है उसको जनपद से साइन करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तत्पश्चात जो भुगतान की प्रक्रिया है वो स्टेट किस तरह से होती है। सर, गौशालाएं? गौशालाएं जनपद सुसनेर में 37 है, जिसमें 8 तो पिछले वर्ष की थी और 29 वर्ष की है। तो वर्तमान में जो गौशाला का ड्यू पेमेंट है वो 1,45,00,000 समथिंग का है। सर, कोई सी गौशाला चालू हालत में है? नहीं, क्या वर्तमान में ग्राम पंचायत मोड़ी की गौशाला का संचालन हो रहा है? इसके सर भुगतान हो चुके हैं गौशाला के? सबके नहीं होंगे क्या? गौशाला भुगतान अभी शेष है। कुछ हुआ सर उसमें? जी, कटपड़ा की शिकायत मेरे पास आई थी, वो जांच मैंने SDO को दी है। जैसे ही जांच होती है और जांच में वो शिकायत सही पाई जाती है तो जिम्मेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा सर, कई जगहों पर तालाब जो आपके खेत तालाब योजना में तलाइयाँ बनी हैं वो आधी अधूरी हैं, कुछ जगहों पर मतलब बनी ही नहीं है, उनको शासकीय जमीन पे बना दी गई है जबकि वो किसान के खेत में या निजी जमीन पे बनना चाहिए थी। इस तरह की कुछ सूचना जानकारी है सर आपके पास? मेरी इस प्रकार की शिकायत मेरे पास आती है तो मेरी तरफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी मैं करूँगा। और गौशालाओं की सर जितनी है अपने यहाँ 39 खोली गई थी, किसी में भी आज की तारीख में गोवंश नहीं है, शासन का करोड़ों रुपया उसमें उलझ गया सर, उनकी स्थिति ऐसी क्यों है, क्या वजह हो रही है सर? कुछ जगह गौशालाएं चल रही थी लेकिन कुछ कहीं इशू थे तो इशू को जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और वापस जो है वो रनिंग कंडीशन में आए।